देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नरसिंहपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 37 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोटेगांव में 8 अभ्यर्थी, नरसिंहपुर में 11 अभ्यर्थी, तेंदुखेड़ा में 7 और गाडरवाड़ा में 3 अभ्यर्थी के भाग्य का फैसला पेटी में बंद हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा घर घर जनसंपर्क कर और अन्य माध्यमों से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास भी किया गया था। सभी ने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की थी, लेकिन किस उम्मीदवार को जनता ने पसंद किया है इसका खुलासा 11 दिसंबर को मतगणना के परिणाम आने के बाद ही हो सकेगा। कुमारी शिवानी साहू जी, आपने पहली बार मतदान किया है, आपने जहाँ पे मतदान किया है क्या सोच के किया है, उसे क्या आपको आशाएं उम्मीदें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अभी जो भी युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो भी अभी बातें चल रही हैं उनमें हमें सहयोग मिले, और जो भी अभी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए हमें बहुत आगे तक कुछ जाने के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएँ मिली। आपको कैसा लगा पहली बार मतदान करने के बाद? अलका विश्वकर्मा। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी हाँ। आपको कैसा लग रहा है मतदान करने के बाद पहली बार? मतदान करने का बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत उत्साहित थी मतदान करने के लिए, और मैं आगे भी यही आगे मतदान करते रहूँगी। आपने जहाँ पे ही मतदान किया है, आपने जिन प्रत्याशी का चयन किया, तो किन बिंदुओं को आधार बना के आपने चयन किया है? हमारे नगर का विकास हो और हमारा नगर आगे गतिविधियों में आगे बढ़ते रहे और अच्छे अच्छे कार्य हमारे नगर में होते रहे, और देश के विकास के लिए भी मैंने आगे यही मतदान करने के लिए सोचा है। नरसिंहपुर समय जगत, राजेश नेमा जूनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।